नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के उत्साहपूर्ण एवं खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राशिफल एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सभी हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। जी हाँ, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। तो इन्हीं कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए खास ग्रैंड एशियन न्यूज ने इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहे। दर्शकों ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 24 जुलाई से 30 जुलाई तक का है। मेष राशि, मेष राशि के जातकों की सप्ताह की शुरुआत बेहद ही सकारात्मक होगी। जुलाई माह का यह आखिरी महीना जाते जाते आपको अवश्य ही धन लाभ कराने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप अपने सभी कार्य को शांति के साथ करें। सप्ताह का अंत बेहद ही शुभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के भी योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। मेष राशि के जातक, आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हफ्ते की शुरुआत चंद्रमा को रात्रिकालीन दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। तो अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का यह आखिरी सप्ताह सामान्य रहेगा। वित्त के क्षेत्र में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ सकती है। करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह धन कमाने का सुनहरा मौका आपको प्राप्त हो सकता है। प्रतिस्पर्धा से कड़ी टक्कर मिल सकती है। व्यापार में अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। वृष राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत गायत्री मंत्र का पाठ करके करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह बेहतरीन परिणाम देने वाला होगा। धन का प्रवाह निरंतर बनता रहेगा। इस सप्ताह के दौरान किसी लंबी यात्रा की भी योजना बन सकती है। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। प्रमोशन मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम होंगे। शेयरों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में है उनके लिए यह सप्ताह फलदायी साबित हो सकता है। परिवार में सुख शांति बरकरार रहेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। मिथुन राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का इस सप्ताह सामान्य रहेगा। नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन रही है। करियर में सावधानी से आगे बढ़ें। यात्रा के दौरान सजग रहें। रिश्तों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः बहस करने से बचें। आपको इस हफ्ते सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। कर्क राशि के जातक, इस सप्ताह की शुरुआत आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का यह आखिरी सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है। यात्रा का योग बन रहे हैं और ये यात्रा जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अनावश्यक अहंकार से सावधान रहें। इस माह में पैसे कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और खर्च भी होंगे, लेकिन बचत करने में भी आप सक्षम होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। सिंह राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत गरीबों को कुछ दान करके करें। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस आखिरी सप्ताह में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। खास तौर से आप निर्णय लेने में सावधानी बरतें। आप अपनी कर्मठता की बदलते चुनौतियों से निपटने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों का प्रमोशन हो सकता है। सामान्य कारोबार करने वालों के काम में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाओं का ध्यान रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग काला। कन्या राशि के जातक, इस सप्ताह की शुरुआत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ करें। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वाले जुलाई का यह आखिरी सप्ताह करियर और धन की स्थिति में सुधार करने वाला है। परिवार और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। कामकाज के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने आवेश पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विवाहित जातकों के लिए समय थोड़ी सतर्कता का है। जीवन साथी के साथ संबंधों को सामान्य रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। तुला राशि के जातक, सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करें। वृश्चिक राशि,
जुलाई का यह आखिरी सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद सुधार होगा। धन की स्थितियां ठीक बनी रहेगी। स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। घर परिवार में समय व्यतीत होगा। किसी मंगल कार्य में रुचि रहेगी, परंतु किसी बात को लेकर पिता या भाई बहनों से मतभेद भी हो सकता है। सबको विश्वास में लेकर चलने का प्रयास करें और फैसले लें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। उपाय: वृश्चिक राशि वाले जातक, सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप इस सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। धनुराशि: धनुराशि वाले जातक, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह हो सकता है। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। जीवन साथी और परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती है। मित्रों के साथ अनबन भी हो सकता है, इसलिए मिठास बनाए रखें। इस सप्ताह आपको अपनी कड़वी वाणी के कारण कई बार असहज स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, अतः सतर्क रहें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला। धनु राशि के जातक, सप्ताह को शुभ बनाने के लिए उपाय के तौर पर आप सप्ताह की शुरुआत पानी में 3 चुटके हल्दी डालकर स्नान करके करें। अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए इस जुलाई का यह आखिरी सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। करियर की समस्याएं हल होंगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। विवाह और रिश्तों की समस्या हल होती नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह हफ्ता के पूर्वाध में प्रमोशन या वेतन वृद्धि देने वाला हो सकता है। किसी प्रकार का पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। सबका सहयोग मिलेगा और सहयोग मिलने से सारे काम पूर्ण होंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग कत्थई। मकर राशि के जातक, उपाय के तौर पर आप सप्ताह की शुरुआत किसी बच्चे को पेन गिफ्ट करके करें। कुंभ राशि: आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य में लापरवाही न करने की सलाह दी जाती है। धन की स्थितियां सामान्य बनी रहेगी। धर्म और अध्यात्म की तरफ झुकाव से लाभ होगा। हालांकि कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी। काम धंधे से मन उचाट रह सकता है। आलस्य और भ्रम की स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में मन लगाने की आवश्यकता है। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी। कुंभ राशि के जातक, इस सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत गुड़ खाकर करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का यह आखिरी सप्ताह काफी लाभदायक रहने वाला है। इस सप्ताह करियर में कुछ लाभकारी बदलाव होगा। धन और स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होगी। आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति उत्तम रहेगी। कामकाज को लेकर आपको विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। से लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। मीन राशि के जातक, इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल को देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर इसी तरह हर हफ्ते बने रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।